हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका माइलो फैमिली चैनल में। मैं हूं गुंजन। फेस मास्क स्किन केयर का एक इजी और इफेक्टिव मेथड है जिसके मल्टीपल बेनिफिट्स होते हैं। केवल एक फेस मास्क के इस्तेमाल से आप अपने चेहरे की डीप क्लीनिंग, हाइड्रेशन, एक्सफोलिएशन और डार्क स्पॉट्स या फिर पिगमेंटेशन जैसे टारगेटेड एरियाज का ट्रीटमेंट भी कर सकते हैं, जिससे आपको बहुत कम समय में ही क्लियर स्किन मिल जाती है। लेकिन इसके लिए ये जरूरी है कि आपको इसे इस्तेमाल करने का सही तरीका पता हो। आज के इस वीडियो में हम इसी विषय पर डिटेल में बात करेंगे और आपको बताएंगे कि फेस मास्क को किस तरह से इस्तेमाल करना चाहिए। वैसे अगर आप फैमिली प्लानिंग के बारे में सोच रहे हैं या फिर प्रेगनेंसी के खूबसूरत सफर में हैं या फिर अगर आप एक नन्ही सी जान को ऑलरेडी जन्म दे चुके हैं, तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से माइलो ऐप को जरूर डाउनलोड करें। माइलो ऐप पर फ्री में कई सारे इंपॉर्टेंट टूल्स एक्सेस कर सकते हैं और एक्सपर्ट से बातचीत भी कर सकते हैं। इसके अलावा भी माइलो ऐप पर बहुत कुछ है। क्लियर और क्लीन स्किन के लिए फेस मास्क का इस्तेमाल करते हुए आपको इन दो बातों को थंब रूल की तरह फॉलो करना चाहिए। रूल नंबर 1, चूज द राइट टाइप ऑफ मास्क फॉर योर स्किन। खुद के लिए फेस मास्क चूज करते हुए इस बात का ध्यान जरूर रखें कि वो आपकी स्किन टाइप और स्किन प्रॉब्लम्स के लिए बना हो, जैसे कि ऑयली स्किन के लिए क्ले मास्क, ड्राई स्किन के लिए हाइड्रेटिंग मास्क और डल या अनइवन स्किन टोन के लिए एक्सफोलिएटिंग मास्क का इस्तेमाल करना होता है। रूल नंबर 2, मेंटेन कंसिस्टेंसी फॉर फुल रिजल्ट्स। अपने स्किन केयर रूटीन में फेस मास्क को ऐड करने के बाद ये बहुत जरूरी है कि आप इसका प्रयोग में कंसिस्टेंसी बनाए रखें। बैलेंस्ड डाइट और अच्छी स्किन केयर हैबिट्स के साथ फेस मास्क के कंसिस्टेंट यूज से आपको जल्दी ही क्लियर और हेल्दियर लुकिंग स्किन देखने को मिलेगी। करेक्ट मेथड टू यूज फेस मास्क फॉर क्लियर स्किन। आइए अब आपको बताते हैं कि फेस मास्क को इस्तेमाल करने का सही तरीका क्या है, वो स्टेप बाय स्टेप। क्लेंज योर फेस। फेस मास्क लगाने से पहले अपने चेहरे को किसी जेंटल क्लेंजर से धो लें, जिससे स्किन से धूल मिट्टी, डर्ट और एक्स्ट्रा ऑयल के साथ ही मेकअप प्रोडक्ट्स के पार्टिकल्स भी धुलकर निकल जाए। अब एक क्लीन टॉवल से अपने फेस को हल्के हाथों से थपथपाकर सुखा लें। नाउ अप्लाई द मास्क। चेहरा साफ करने के बाद अपने फिंगर्स या फिर किसी साफ ब्रश की हेल्प से फेस मास्क की एक थिक लेयर को अपने पूरे चेहरे पर लगाएं। ऐसा करते हुए आंखों के आसपास के सेंसिटिव आई एरिया को अवॉइड करें। एप्लीकेशन टाइम एंड फ्रीक्वेंसी को जानने के लिए आप प्रोडक्ट पर दिए गए इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करें। अलाउ फॉर एब्जॉर्प्शन। फेस मास्क लगाने के बाद जो सबसे जरूरी स्टेप है वो ये है कि आप मास्क को अपने चेहरे पर सूखने के लिए पर्याप्त समय दें। आपकी स्किन पर सफिशिएंट टाइम तक लगा रहने के बाद इसका फायदा आपको मिलेगा। इस दौरान अपने चेहरे को छूने से बचें और कम से कम फेशियल एक्सप्रेशंस करें। रिंस ऑफ। मास्क के पूरी तरह सूख जाने के बाद इसे गुनगुने पानी की मदद से हल्के हाथों से इसे इस तरह धोएं कि स्किन से इसके पार्टिकल्स पूरी तरह से निकल जाएं। पैक ड्राई एंड मॉइस्चराइज। अब चेहरे को एक क्लीन टॉवल की हेल्प से सुखा लें और इसके बाद किसी लाइट वेट नेचुरल इंग्रेडिएंट से बने हुए मॉइस्चराइजर से स्किन को डीप हाइड्रेशन दें। इससे त्वचा को नरिशमेंट मिलेगा। फ्रीक्वेंसी। पैक पर दिए गए इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग ही फेस मास्क को इस्तेमाल करें। ऐसा करना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि अगर आपके मास्क में एक्टिव इंग्रेडिएंट्स मिलाए गए हैं तो इसे ओवरयूज से आपके स्किन में इरिटेशन या फिर ड्राइनेस जैसी प्रॉब्लम शुरू हो सकती हैं। मॉनिटर रिजल्ट्स। फेस मास्क का इस्तेमाल शुरू करने के बाद आपकी स्किन में आने वाले चेंजेस को मॉनिटर करें, जिससे आपको ये पता चलेगा कि आपकी स्किन कैसे रिएक्ट कर रही है। अगर आपको रेडनेस, इरिटेशन या फिर एक्सेसिव ड्राइनेस जैसे एडवर्स रिएक्शंस दिखाई दें, तो फेस मास्क का इस्तेमाल तुरंत बंद कर दें। फेस मास्क के रेगुलर यूज से इम्प्योरिटीज के अलावा एक्सेस ऑयल और डेड स्किन सेल्स को हटाने में भी मदद मिलती है, जिससे क्लियरर कॉम्प्लेक्शन और स्किन पोर्स भी मिनिमाइज होने लगते हैं। आप माइलो का टी ट्री फेस मास्क भी ट्राई कर सकते हैं, जो ग्लाइकोलिक एसिड, ऑस्ट्रेलियन टी ट्री, बेसिल और ग्लाइकोलिक एसिड जैसे रिच इंग्रेडिएंट से बनाया गया है। ये ना केवल आपकी स्किन को डीपली हाइड्रेटेड और प्लम्प रखता है, बल्कि ओवरऑल टेक्सचर को भी इम्प्रूव करता है, जिससे त्वचा स्मूदर और ब्राइटर बनती है। कुल मिलाकर एक सही फेस मास्क का रेगुलर यूज आपकी स्किन को रेडिएंट बना सकता है, इसलिए आप भी इसे अपने स्किन केयर रूटीन में शामिल करें और इसके रिजल्ट्स विटनेस करें। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें, कमेंट करके हमें अपने विचार बताएं और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ इस इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को जरूर शेयर करें। साथ ही सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि समय समय पर आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। नमस्कार।